ओम शांति। 12/6/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। प्रश्न, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इसमें भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है, वह निकलनी है। शांति के सागर बाप को याद करने से तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। यह भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युग कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे, हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना? वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर, ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, यह पक्का निश्चय है ना? तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सत्युग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सत्युग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो, बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सत्युग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगमयुगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना, नर्क का क्रिएटर तो नहीं है। उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं, यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं देवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे, उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है, तो यह बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा, यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हो, मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारा से प्यारा है, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं, बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड।
सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो, हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बात बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं? आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना, ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करें। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि रहती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं, तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो, गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है, जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है, बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सत्युग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं, कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती, वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा। बाकी यह थोड़ा काम है, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। यह भी बच्चों को समझाया गया है, उनका है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे, तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हों, सिर्फ दो अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे, और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़े ही यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं, वह करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है, कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ।
स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है, रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिकारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव भाव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिकारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हर्ता सुख कर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। स्लोगन, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ओम शांति।